नमस्ते मित्रों, आज मैं स्पेशल इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट सभी जो कलमें हमने तैयार की है, तो वी ग्राफ्टिंग है, साइड ग्राफ्टिंग है और क्लिप ग्राफ्टिंग है, तो हम आज टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग जो है सभी पेड़ों की, उनके मंथ्स और सिलेक्शन ऑफ सायन और हाउ टू टेक केयर अबाउट देम टिल द मैच्योरिटी और टिल द कंप्लीशन ऑफ देयर यू कैन से डेवलपमेंट, ये हम देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमने वी ग्राफ्टिंग जो आपको हमने वी ग्राफ्टिंग के वीडियोस डाले, तो देर आर सो मेनी क्वेरीज एंड आस्क टू मी एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, बट एट लास्ट आई थॉट दैट वाई आई शुड नॉट प्रिपेयर सच टाइप ऑफ ए वीडियो वेयर ऑल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी मेंशन। तो आज मैं वह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हम जो वी ग्राफ्टिंग के वीडियोज डाले हैं, तो वी ग्राफ्टिंग के वीडियोज में सिलेक्शन ऑफ सायन किस प्रकार किया जाता है, तो सिलेक्शन ऑफ सायन हर पेड़ों के सिलेक्शन ऑफ सायन किस प्रकार किए जाते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ मैंगो, सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ कस्टर्ड एप्पल, सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ जैक फ्रूट, सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ यू कैन से गावा, तो किस प्रकार सिलेक्शन किया जाता है। तो स्पेशली मैंगो का जो सिलेक्शन ऑफ सायन है, आप अच्छे क्वालिटी के पौधे पर, आप जो पेड़ है जो बगीचे में जाकर जिसकी वेराइटी आपको मालूम है, उसमें लगभग आठ मंथ से लेके 12 मंथ तक यानी 1 ईयर तक का सायन सिलेक्शन करने का। अगर से वो लकड़ी के ऊपर में अगर से न्यूली ब्रांच्ड अगर से है जो 2-4 महीने अर्ली है, समझो कंसिडर करो, उसको काट दीजिएगा और काटने के बाद 15 से 20 दिन और ऑलरेडी जो मैच्योर्ड है 1 ईयर का और 8 मंथ का, उसके आप पत्ते तोड़कर रखिएगा और उसके बाद में आपको उसमें ऐसे फुटवे जिसे कहते हैं बड्स, न्यूली बड्स एकदम निकली हुई मिलेगी आपको, कब, आफ्टर 15 to 20 days, उसके बाद में वो सायन प्रिपेयर हो जाएगी, मैच्योर सायन कहलाएगी। उसको आप गार्डन से तोड़ के लाइएगा और उसके बाद में आपको वी शेप में हो या साइड ग्राफ्टिंग हो या क्लिप्ड ग्राफ्टिंग में आपको इस्तेमाल कर जाएगी। अब वो सायन कितने दिन आपकी चलेगी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर से आप वो सायन को लाते हो और कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रखते हो और उस गीले कपड़े में लपेटने के बाद उसको पॉलीथीन में पैक करिएगा और उसको पैक कर दीजिएगा क्लिप से, तो इस प्रकार अगर से आप करते हो और यूज करते हो, तो आपका वह सायन 10 से 15 दिन आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, उसके एवज में आप लाते बराबर 2-4 दिन में अगर से गीले कपड़े में लपेट के रखे और पॉलीथीन में पैक नहीं रखा, तो भी आप विद इन 2 or 4 days यू हैव टू यूज़ देम, तो आपको सक्सेस रेट मिलेगा। और पेड़ अगर से अच्छा रहा तो आपका वो डेवलपमेंट ग्रोथ आपका 12-14 दिन में वो अंकुर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका भी वीडियो मैंने डाला हूँ। तो मित्रों, सायन जनरली सायन इस प्रकार की सिलेक्ट की जाए, पेंसिल साइज का सायन, 3 से 4 इंच का लेंथ हो उसका, तो आपकी लकड़ी की मोटाई जो है सरकमपरेंस जैसी मोटाई है, उतना मोटा अगर से सायन आप फिट करते हो, तो आपका सायन टाइटली फिट करने का और 0 mm का प्लास्टिक इस्तेमाल करने का जो मार्केट में मिलता है ऑलरेडी, पॉलीथीन हाउस में आप जाइएगा जहाँ पर पॉलीथीन, विविध प्रकार की पॉलीथीन्स मिलती है वहाँ पर, तो 0 mm का पॉलीथीन मिलता है, उसकी स्ट्रिप्स बनाएगा। तो मित्रों, आप उसको टाइटली बांधिएगा, अगर से ढीले अगर से उसका पैकिंग करते हैं तो आपका सक्सेस नहीं होगा टाइटली पैक करने का, वो भी प्रोसीजर मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो बेस्ट मंथ क्लिप्ड ग्राफ्टिंग का बेस्ट मंथ एंड ऑफ जून, एंड ऑफ जून 100% सक्सेस मिलेगा, एंड ऑफ जून में, लास्ट वीक ऑफ जून, उसके बाद में जुलाई से लेके नवंबर माह तक आप ये ग्राफ्टिंग कोई भी प्रकार का तैयार कर सकते हैं। और रही बात सीताफल की, सीताफल का ग्राफ्टिंग पीरियड विंटर है, नवंबर मंथ से आप फेब्रुआरी तक बांध सकते हैं। फिर संतरे का भी आप नवंबर से फेब्रुआरी तक बांध सकते हैं। तो गावा का भी जो है ओपन एरिया में, जैसे विदाउट पॉलीहाउस अगर से गावा का आपको पैक करने का है, ग्राफ्टिंग करने का है, तो बेस्ट मंथ है फेब्रुआरी। तो मित्रों, अब इसका सायन आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे इतना मोटा पौधा है आपका तो इतनी मोटी सायन चाहिए। अगर से सायन अगर से आपका अगर पौधा
एकदम कमजोर है, बारीक विड्थ का है अपना सरकमफेरेंस का, तो इस प्रकार छोटी साइज की सायन बांधने का ये देखिएगा। अब इनको यहाँ पर 10 से 20 दिन लगभग हो चुका है इन सायन को, एक बार यानी बर्ड्स ग्रोथ होने के बाद फिर मर गई, लेकिन 15 20 25 दिन के बाद ऑलरेडी ये इनका जॉइंट हो जाता है, और अभी अगर नहीं भी निकला तो अब ग्रोथ होना शुरू हो गया देखिएगा। तो आपको इस प्रकार आप ग्रोथ शुरू होगा, आप डोंट वरी, अगर कभी कभी 60 60 70 70 दिन 90 90 दिन भी ग्रीन रहती है अपनी सायन और फुटवा नहीं फूटता, तो मित्रों आपको इसका रिजल्ट ऑलरेडी मिल जाएगा। तो बेस्ट मंथ भी मैं बता चुका हूँ, तो इस प्रकार देखिएगा यहाँ एक पौधा है, इसे 12 14 दिन हो गया है, ये देखिएगा इतनी मोटी सायन है, इतना ही मोटा पौधा है, स्टॉक इसे रूट स्टॉक कहा जाता है, इस जिस पे अपन फिट करते हैं उसको रूट स्टॉक कहा जाता है, और ऊपर का जो पोर्शन है जिसे ग्राफ्टिंग किया गया है वहाँ है सायन। तो मित्रों इसमें जो ये अंकुर जो निकलते हैं सायन के नीचे से उस पौधे को, तो कोई भी प्रकार का बर्ड का ग्रोथ नहीं होने देने का, ये प्रिकॉशन आपको लेने का है। और अगर से आपने वी शेप ग्राफ्टिंग की है तो 90 दिन के बाद में ये पॉलीथीन कट करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये ज्वाइंट हो जाता है परमानेंटली। जैसे ये देखिएगा, अब ये इसकी एक ब्रांच आने दूंगा, उसके बाद में इसको ब्लेड से मार के यहाँ निकाल के मैं फेंक दूंगा। तो मित्रों आपका अगर से सायन ग्रोथ होता है तो 20 से 25 दिन के बाद में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार आपको केयर लेने का है। और क्लिप्ड ग्राफ्टिंग में एक प्रिकॉशन लेने की है, जो साइड से बंधी हुई पैकिंग रहती है वहाँ आपको छोड़नी नहीं एक साल तक लगभग, और जो अंदर की झिल्ली पैक जो रहती है अंदर जो कटिंग पोर्शन पे, उसे एक ब्रांचिंग या दो ब्रांचिंग होने के बाद में वो अंदर की जो झिल्ली है उसको ब्लेड से मार देने का, ताकि जब जो अपनी सायन जब मोटी होगी तो अंदर की ओर फूलते जाएगी, अंदर की ओर बढ़ते जाएगी, उसके बाद में एक साल बाद में जैसी उसे ब्रांचिंग होंगी और ब्लॉजमिंग होंगी जिसे मोहर कहते हैं, तो उस मोहर को आने देने का नहीं, क्योंकि मोहर आने के बाद में वो आम मैंगो लटकेंगे, तो कम से कम 3 साल तक ब्रांचिंग पे मोहर लगने के बाद मोहर या ब्लॉजम जो है फ्लावरिंग आपको ब्रेक करने की है। सच टाइप ऑफ प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। और जैसे क्लिप्ड ग्राफ्टिंग में आपको कहा मैंने, एक साल के बाद में वो झिल्ली जो है पॉलीथीन उसको खोलने का और फिर डबल से बांधने का, लेकिन उसे पैक करने का, और क्योंकि वो कमज़ोर रहती है, और उसको जब फ्रूटिंग होंगी तब आप उसको सपोर्ट लगा के फ्रूटिंग होने दीजिएगा 3 साल बाद। तो ये आपको केयर लेने। तो मित्रों इसके लिए टेम्परेचर भी बताना चाहता हूँ, इसका टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट सीजन है, क्योंकि मुझे एक पंजाब के बंदे ने कहा था कि सर मेरे यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, फिर उसको मैंने पूछा अगस्त में, तो अगस्त में टेम्परेचर वहाँ का बहुत हाई था, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ में जब किया उसने, तो इसलिए टेम्परेचर शुड बी कीप इन योर माइंड, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये प्रिकॉशन लेने का। और पॉलीथीन के लिए मैंने पहले ही बताया कि पॉलीथीन टाइटली पैक करने की, और बार्क अगर से समझो सायन अगर से मैच नहीं हो रही, कोई साइड नहीं हो रही है, तो क्या करने का, वन साइड का सायन का बार्क है वो उस पौधे के बार्क से मिलना चाहिए, इतना प्रिकॉशन लेने का आपको। जैसे ये पौधा देखिएगा, ये जैसे ये देखो देखिएगा, यहाँ पौधे में देखिएगा, यहाँ देखो देखिएगा, ये भी ग्राफ्टिंग का साया नहीं है, ये इतना बढ़ गया है, ये भी देखिएगा, ये भी इस प्रकार वन साइड का बार्क इससे मिलना चाहिए इसके, इससे दूसरी तरफ देखने का नहीं, वन साइड का ये बार्क इसके वन साइड से कम मिलना चाहिए, और उसके बाद में इसको टाइटली पैक करने का 0 mm प्लास्टिक से लेके। तो मित्रों अगर से आपको यह इन्फॉर्मेशन अगर से पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा, और लाइक बटन भी दबाइएगा साथ में, ताकि मैं न्यूली वीडियोज आपको भेजते रहूँ। और फिर भी इसके बावजूद अगर से आपके मन में कोई शंका है, कुछ क्वेरीज है, तो यू कैन सेंड मी ऑन माय चैनल, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन माय ओन कैपेसिटी। तो थैंक यू फॉर लुकिंग माय वीडियो वंस अगेन।